दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की प्रियंका गांधी के साथ बैठक आज होनी है और दिल्ली कांग्रेस वॉर रूम में शाम 6:30 बजे ये बैठक होनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। आगामी यूपी चुनाव में हरियाणा के नेताओं की ड्यूटी लगाने को लेकर यह बैठक होगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और हरियाणा के कई नेताओं के यहां पर पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें कि पुंडरी में आपकी जगह आगामी यूपी चुनाव को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की प्रियंका गांधी के साथ आज ये बैठक होनी है कांग्रेस वॉर रूम में शाम 6:30 बजे ये बैठक होनी है। और हमारे ब्यूरो चीफ विनोद लांबा एक बार फिर से फोन लाइन पर है। विनोद, वॉर रूम तैयार हो चुका है, आज कई वरिष्ठ नेता दिल्ली आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी ने पूरी कमान कहीं ना कहीं यूपी की संभाल रखी है कांग्रेस की तरफ से, और इसी सिलसिले में दीपेंद्र हुड्डा को भी जिम्मेदारी दी हुई है। लेकिन उससे भी आगे बढ़ते हुए आज जो बैठक होगी इसमें नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा कांग्रेस अध्यक्षा है, इनका क्या क्या कुछ रोल रहेगा उस चीज को लेकर एक बैठक होनी है कांग्रेस वॉर रूम में। और जो बड़े चेहरे हैं जो लगातार कांग्रेस में बने हुए हैं पिछले कई सालों से और जिन्होंने अपने अपने स्तर पर अपने प्रदेश में काम किया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उत्तराखंड और कहीं ना कहीं हिमाचल चुनाव में भी शिरकत पहले समय में करते रहे हैं, इसके साथ ही कुमारी शैलजा एक दलित चेहरे के तौर पर कांग्रेस के पास हरियाणा कांग्रेस अध्यक्षा एक बड़ा नाम है, इन तमाम नेताओं के साथ ही किस तरह की भूमिका लगाई जाए, किस तरह से कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई जाए, इन तमाम विषयों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 6:30 बजे कांग्रेस वॉर रूम में होगी निश्चित रूप से। और विनोद, ये बैठक काफी कुछ तय करेगी आगामी यूपी में होने वाले कांग्रेस के प्रचार को लेकर, आप नजर बनाए रखें, आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे।